नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ सिलिकॉन होंडा शोरूम ग्राजिया का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। ग्राजिया 125 सीसी का बाइक है और देती है करीब 8.5 bhp का हॉर्स पावर और 40 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता है। और इस बाइक में तीन वेरिएंट है, स्टैंडर्ड अलॉय व्हील वेरिएंट, उसके साथ साथ सबसे टॉप एंड वेरिएंट DLX वेरिएंट है। और स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस शुरुआत होती है 58,000 rupees। और जो टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है 62,000 rupees। और ये है 190 mm डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील के साथ आता है। और ये है LED हेडलैम्प। तो ये है इस बाइक का साइड इंडिकेटर, ग्राजिया का बेजिंग दिया है। और पीछे का टेल लाइट ये नॉर्मल टेल लाइट है, इसमें LED नहीं है। और ये है इस बाइक का एग्जॉस्ट। इस बाइक में एक नया वाला की सिस्टम है, आपको जो तीन आता है, एक ऑन और एक सीट और एक ऑफ के लिए, जो आप सीट के ऊपर डाल के इसको जो दबा लिया तो ये ओपन हो जाता है। और इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट मिलता है और 18 लीटर का बूट स्पेस है। तो आप एक स्टैंडर्ड जो हेलमेट को अंदर रख सकते हो। ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सपोर्ट करता है टाइमिंग, स्पीडोमीटर, उसके साथ साथ कई सारे सिस्टम। यहाँ पे पावर स्टार्टर मिला है और यहाँ पे अपर डिपर और इंडिकेटर। ये है इस बाइक का चौक, ये नॉर्मल चौक है शायद, हाँ ये नॉर्मल चौक है। और ये है सिल्वर फिनिश्ड सराउंडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल, कुछ ऐसा नजारा है इस बाइक का। और जो हाल ही में एक्टिवा 5G भी लॉन्च हुए थे और ग्राजिया से भी कुछ कुछ फीचर्स लेके गया है, उसमें भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है और नया वाला की सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे भी सिल्वर फिनिश्ड कप प्लेट्स और यहाँ पे होंडा लिखा है। दोस्तों इस बाइक का मैक्सिमम स्पीड है 85 किलोमीटर पर हवर। और जो इस बाइक में 190 mm जो डिस्क मिलता है और 130 mm पीछे का जो ड्रम है और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी इसमें मिलता है। ये बाइक का टोटल वेट है 107 kg और ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm। और इस बाइक का लेंथ है 1812 mm, यानी कि एक्टिवा 5G से भी थोड़ा सा लंबा है। और वेट है 700 mm और हाइट है 1146 mm। कई सारे जो अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये बाइक आता है। तो फिलहाल ये बाइक जो बैटरी डाउन है तो मैं इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, कई दिनों से यही खड़ा है तो इसलिए इसका बाइक का बैटरी डाउन हो चुका है तो मैं इस बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। और इस बाइक में करीब जो 6 कलर का ऑप्शन है, आप देख रहे हो ये है पैरल स्पार्टन रेड और व्हाइट का ऑप्शन है और मेटालिक ऑप्शन है और सॉरी ग्रे मेटालिक का ऑप्शन है और ब्लू मेटालिक का ऑप्शन है और पैरल ब्लैक भी है। पैरल ब्लैक थोड़ा सा प्योर ब्लैक होता है तो दिखने में पैरल ब्लैक काफी सुंदर दिखता है। और ऑरेंज रेड भी इस बाइक में शामिल है। और थोड़ा सा जो ये बाइक मॉडर्न बाइक हम कह सकते हैं, एक हाई जो टेकी बाइक हम कह सकते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का ही जो सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये बाइक में जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है,
यानी कि आपका जो ब्रेक का थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा बढ़ेगा और बाइक का जो स्टेबिलिटी होती है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंस, एलॉय व्हील मैट ब्लैक फिनिश्ड है, तो शायद ये है जो 12 इंच का है और पीछे 10 का मिलता है। कुछ ऐसा नजारा है, साइड से दिखने में यमा का रेजर जैसा दिखता है, फिर भी जो रेजर से भी थोड़ा सा खूबसूरत ही है, क्योंकि रेजर में थोड़ा सा फालतू डिजाइनिंग किया है, साइड में आता है वो लाइट्स, मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो क्या कर सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है। ये BS4 इंजन के साथ आता है और इस बाइक में 5.2 लीटर आप फ्यूल भर सकते हो, और फ्यूल का जो इनलेट सीट के अंदर है, आई थिंक जो वो फ्यूल लेड बाहर देना था, थोड़ा सा कन्वीनियंट दिखते थे, फिर भी जो होंडा ने अंदर ही दिया है। और ये एग्जॉस्ट विद कपलेट, यानी कि हीट को आपके तक नहीं पहुंचता है वो कपलेट, थोड़ा सा आपको सेफ्टी देता है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपके मन में क्या क्या कंफ्यूजन थे सारे क्लियर हो चुका है, अभी भी आपके मन में कुछ तो कुछ कंफ्यूजन है, कुछ तो कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सिलिकॉन होंडा शोरूम को विजिट नहीं किया तो विजिट भी कर लीजिए। ये है RV रोड पे, तो एक बार चेक कीजिए, बेंगलुरु में है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Oh, 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 oh.